आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही ये हमारा टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का हम आपके पास 15 पेडागॉजी से कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, एमसीक्यूज लेके आते हैं, जो पिछले सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती जो पूछे गए हैं या अन्य सी टेट हो गया, बाकी जगह जो पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा त्रुटि है पढ़ने में, फिर भी आप लोगों को अपने अनुसार आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप तक ये क्वेश्चन का सरल से सरल जो अर्थ है आपके सामने रख सकूँ और थोड़ा सा आपको समझ आ सकूँ। ठीक है, तो ये जो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है During an oral presentation, which is the stage where you tell the audience the aims of your presentation? अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप कोई स्टेज में हैं और ऑडियंस को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो इनमें से आप क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड, अपना पृष्ठभूमि बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन परिचय द्वारा बता रहे हैं, कंक्लूजन निष्कर्ष द्वारा बता रहे हैं, या क्वेश्चन सेशन या प्रश्न सत्र के द्वारा बता रहे हैं, या कह सकते हैं इसका यदि सीधा सीधा अर्थ निकालें तो एक मौखिक प्रस्तुति के दौरान वह कौन सा चरण जहां आप दर्शकों को अपनी प्रस्तुति के उद्देश्य बताते हैं। मतलब आप जब कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या प्रस्तुति दे रहे होते हैं मंच में जा कर के, तो आप अपना उस समय जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, तो उस प्रस्तुति का को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया मटेरियल्स इंक्लूड्स, मल्टीमीडिया सामग्री में शामिल है कौन कौन सा शामिल है? टेस्ट, एनिमेशन, इमेज, ऑल द एबो। तो साथियों आप सभी जानते हैं मल्टीमीडिया मतलब जिसमें देखने का, सुनने का, समझने का सारी चीज़ एक साथ यदि रहता है तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मतलब इसमें वीडियो भी शामिल होता है, चित्र भी शामिल होता है, सारी चीज़ें शामिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन टू डेवलप, या कह सकते हैं कि सही जो है शब्द चुनिए, जो दिया गया है उसमें से आपको सही शब्द चुनना है, उपयुक्त उत्तर चुनना है। बोल क्या रहा है? अंग्रेजी पढ़ाने का पहला उद्देश्य शामिल है। जब आप किसी को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो उनका पहला उद्देश्य आपका क्या है? लिसनिंग स्केल मतलब सुनने का कौशल, स्पीकिंग स्केल बोलने का कौशल, रीडिंग स्केल मतलब पढ़ने का कौशल, या डी लिखने का कौशल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हो कि जब भी किसी चीज़ को सिखाते, भाषा हो चाहे वो प्रथम भाषा हो, द्वितीय भाषा, कोई भी भाषा आप सिखा रहे हैं, तो बच्चे का सीखने के तरीके क्या हैं? सुबोपली मतलब सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने, पढ़ने फिर लिखने। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? सुनने का कौशल ही होगा, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रेटजी यू फॉलो द टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एंड यंसिंग पैसेज। मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है, जब कभी जब आप पठित गद्यांश को समझते हैं और उसका उत्तर देने का आप प्रयास करते हैं या रणनीति बनाते हैं, ठीक है, जब आप पठित गद्यांश आपके सामने रहता है तो उसका उत्तर देने के लिए जो आप रणनीति बनाते हैं उसका अनुसरण करते हैं, तो उसके लिए उत्तर चुने, इनमें से आप क्या करते हो? अब अपनी भाषा में आपको बताता हूँ, जब आपके पास एंसिंग पैसेज रहता है तो उसका उत्तर देना होता है, उसको समझना होता है, तो इनमें से आप क्या करते हैं, इसका किसका अनुसरण आप करते हैं? एंसिंग पैसेज का उत्तर देने के लिए। स्कैन द इंटायर टेस्ट मतलब पूरे पाठ को बारीकी से समझते हैं, फोकस ऑन द क्वेश्चन प्रश्न पर ध्यान देते हैं, फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज जो आइडिया आपको मिल रहा है उसमें उसका विचार करते हैं,
या ऑल द एबो, इनमें से सभी। तो साथियों जब भी आपके पास एंसिंग पैसे जाते हैं, मतलब अपठित गद्यांश आते हैं, उसको उत्तर देना होता है, तो आप पूरे को पहले पढ़ लेते हो, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा है उस पर फोकस करते हो, अब पैसेज में कौन कौन सा किस प्रकार से आइडिया आपको मिल रहा है उस पर भी ध्यान देते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्टिव मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, आगमन निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि शिक्षण की एक विधि है, जो निगमनात्मक विधि है वो शिक्षण की एक विधि है। इनमें भी आपको करेक्ट आंसर आपको चुनना होगा। स्पेलिंग मतलब वर्तनी, व्याकरण, पोएट्री मतलब कविता, प्रोज मतलब गद्य। तो यहाँ पे जो निगमनात्मक विधि है, आप वर्तनी सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, आप कविता सिखा रहे हैं, गद्य सिखा रहे हैं, तो ये जो विधि है निगमनात्मक विधि, इनमें से कौन सी टीचिंग का विधि होगा। तो डिडक्टिव विधि का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। तो स्पेलिंग आप सिखा रहे होते हैं तो क्या आप नियम पहले बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं, क्या ग्रामर में ऐसा होता है, क्या पोएट्री में ऐसा होता है, या प्रोज में ऐसा होता है। तो साथियों जब ध्यान रखिए, ग्रामर जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप ग्रामर का नियम बताते हैं, ये फलाना फलाना इस प्रकार से है तो इसको इस प्रकार से बनता है, आप इसको पहले नियम बताते हैं फिर इसका उदाहरण देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पे यही लिखा गया है, संभावित ध्वनियात्मक प्रसंस्करण विकार का एक उदाहरण है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, संभावित पॉसिबल ध्वनियात्मक प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण का विकार का एक उदाहरण है, जो एग्जाम्पल दिया है वो, ठीक है। अब इसको अपने बातें अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। संभावित सार्थक ध्वनि की व्यवस्था विकार का एक उदाहरण है। अब तीसरे तरीके से समझिए, इसमें ये कहा जा रहा है जो हम यहाँ पे लिखा है उसका उच्चारण हम दोनों के लिए सेम करते हैं, तो इनमें से दोनों में से सेम का अर्थ होने के बावजूद भी अलग है। जैसे पापा को हम फादर कहते हैं, पापा को हम फादर कहते हैं, फेल्ड एंड फेल हमें काटने की विधि, या काटा गया गिराया गया आप बोल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे वांटेड मतलब चाहते हैं, वेंट मतलब अभिलाषा, वेंट मतलब क्या होता है अभिलाषा, और वांटेड मतलब होता है चाहते हैं या चाहिए, जैसे वांटेड इस तरीके के निकालते हैं ना, चाहिए या अभिलाषा, मतलब चाहिए भी वही है और अभिलाषा भी वही है। गिरना या कह सकते हो, फेल्ड मतलब होता है लकड़हारा, या फेल मतलब होता है कांट गिराना, तो दोनों का मतलब लकड़हारा भी कांट गिराता है, इसका मतलब भी वही हुआ। पापा को हम पापा पिताजी बोलते हैं, फादर को भी पिताजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिन का मतलब क्या होता है, पाप, और साइन का मतलब होता है पैर का अगला भाग, ठीक है। तो ये जो है अंतर हो रहा है, मतलब ये जो है फोनोलॉजिकल प्रोसेस का विकार है, मतलब कह सकते हैं इसका उदाहरण है, धनात्मक प्रसंस्करण विकार का एक उदाहरण है, बाकी तो सेम है ना, लेकिन ये क्या है, सबसे अलग है। अब ध्वनात्मक प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, जब किसी बच्चे को ध्वनि के स्थान बता करके, जब बच्चे को किसी ध्वनि का स्थान बता करके उसके शब्द से यदि परिचय कराते हैं तो उसे ध्वनात्मक प्रसंस्करण कहा जाता है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसी से हम परिचय करा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर मोस्ट इज, ऑरल मतलब क्या होता है मौखिक, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार बातचीत का माध्यम, व्हाट मैटर मोस्ट इज, मौखिक संचार में सबसे अधिक क्या मायने रखता है, मौखिक बातचीत में सबसे अधिक ज़्यादा महत्व क्या रखता है,
व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं, जब आप कहते हैं, व्हेन यू से, जब आप कहते हैं, हाउ यू से इट, आप इसे कैसे कहते हैं, वेयर यू से इट, जहां आप इसे कहते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ आया, कोई भी समझ आए, लेकिन इसको आप पढ़ के देखिए, सी नंबर को, यहां पे लिखा गया सी नंबर को देखिए। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे महत्व यह है कि आप इसे कैसे कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं, जब आप कहते हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कैसे कहते हैं ये मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, मतलब ये बोल रहा है कि जब हम व्याकरण का अनुवाद, जो व्याकरण अनुवाद विधि है, वो शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि में उसे और क्या कहा जाता है, ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि को इनमें से और कौन सा विधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मॉडर्न मेथड, क्लासिकल मेथड, नेचुरल मेथड या ओरल मेथड, आधुनिक विधि, शास्त्रीय मेथड मतलब विधि, प्राकृतिक विधि या मौखिक विधि, इनमें से आप ग्रामर ट्रांसलेशन विधि को और क्या कहते हैं। मॉडर्न मतलब क्या हो गया, आधुनिक वाला हो गया, आधुनिक मतलब अभी जो वर्तमान में जो भी मेथड चल रही है, मतलब समझ सकते हैं को, उसमें उतना विस्तार या तकनीकी चीज़ों का उपयोग किया जाता है ना। अब आता है क्लासिकल मेथड। अब क्लासिकल मेथड में क्या होता है कि वे छात्रों के दिमाग के प्राकृतिक विकास को देखा जाता है कि इसमें क्या समझ में आ रहा है और क्या हमको समझना है, ये क्लासिकल मेथड में होता है। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक मतलब माना जाता है, प्राकृतिक ये सामान्य आधार पर आधारित नहीं रहता, या कह सकते हैं ये संसारिक मतलब जो भाषा है उस पर विशेष नहीं रहता, ये ईश्वरीय भाषा के रूप में देखा जाता है इसको, नेचुरल मेथड को। ओरल मेथड मतलब मौखिक मेथड, जिसमें आप बातचीत करते हैं, वो वाला विधि जो है वो मौखिक विधि हो गया। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ ऐसा है कि व्याकरण अनुवाद मेथड को इस विधि से और जाना जाता है। तो ग्रामर जो अनुवाद होता है उसी में समझने के तरीके को बताया जाता है कि क्या है, किस प्रकार से है, कैसे समझा जाता है, ये किस में होता है, ग्रामर में होता है, अनुवाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट फिल्ड व्हाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि गैप मतलब क्या होता है, अंतर, डेवलप मतलब विकास, है ना, बिटवीन टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या होता है आपका शिक्षण, और लर्निंग मतलब क्या होता है सीखना, शिक्षण और सीखने के बीच विकसित अंतर, एक तो ये हो गया आपका शिक्षण और सीखने के बीच जो अंतर पाया जाता है, उन्हें सबसे अच्छे तरीके से फील्ड किया जा सकता है या उसको भरा जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। अब अपनी भाषा में आपको बताता हूँ इसको, जब बच्चे को जब सिखाया जा रहा है, जब पढ़ाया जाता है ना, शिक्षण पढ़ाया जाता है तो वो सीखता है, लेकिन जैसा हम पढ़ा रहे हैं उतना नहीं सीख पा रहा है, तो उसके जो अंतर है, जितना उनको जानना चाहिए, उस अंतर को कैसे, कौन से विधि से आप उसको कंप्लीट करेंगे या पूर्ण कर सकते हैं, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, टेक्स्ट बुक रीडिंग, रिमेडियल टीचिंग, नॉन ऑफ द एबो। कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया का उपयोग करके, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके, या उपचारात्मक शिक्षण करके, या इनमें से नॉन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको सबको पता है कि मल्टीमीडिया के उपयोग हम शिक्षण विधि में करते हैं, पाठ्य पुस्तक का उपयोग भी करते हैं, ये तो ऑलरेडी हो ही रहा है, फिर भी वो पीछे है। अब उसी पीछे मेथड को हम कंप्लीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। जब उपचारात्मक शिक्षण के बाद आती है तो दोनों भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवेल्युएशन ऑफ स्पीकिंग कॉन्सिस्ट,
मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है बोलने के मूल्यांकन में शामिल है, बोलने के मूल्यांकन में शामिल है एवेल्युएशन, प्रोनाउंसेशन, एवेल्युएशन, इंटोनेशन, एवेल्युएशन, स्ट्रेस, ऑल द एबो। मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसेशन मतलब क्या होता है उच्चारण, इंटोनेशन मतलब क्या होता है स्वर, स्ट्रेस मतलब क्या होता है तनाव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बोलने का जो मूल्यांकन है सभी के लिए होता है, चाहे वो उच्चारण के लिए हो, चाहे वो स्वर के लिए हो, चाहे वो तनावपूर्ण मूल्यांकन तनाव हो, स्ट्रेच हो, है ना, स्ट्रेस हो या सभी हो, मतलब ये समझ लीजिए तीनों के लिए जो बोलने का मूल्यांकन तीनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स, प्रवाह विकारों में शामिल है, प्रवाह विकारों में शामिल है वॉइस मतलब एक आवाज, पिच मतलब उतार चढ़ाव। साथ ही यहाँ पे ये जो है इसके स्थान पे मैं रिदम ले रहा हूँ, रिदम मतलब ताल, क्योंकि ये साथ ही इसके होने के कारण जो है इसको विलोपित कर दिया गया था। यदि ये तीनों आता है ना, तीनों आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका विलोपित हो गया था, तो यदि इसके जगह में मैं क्या ले रहा हूँ आपका रिदम, मतलब जो फ्लुएंसी प्रवाह है भाषा की, जो प्रवाह है उस विकार में शामिल है, वॉइस भी शामिल है, पिच भी शामिल है और रिदम भी शामिल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स द मेक्स ए कंप्लीट सेंस और गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब आपको क्या करना है, सही उत्तर आपको चयन करना है। ये क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह, मेक ए कंप्लीट सेंस जो पूर्ण बोध या पूर्ण अर्थ देता है, मेक कंप्लीट सेंस पूर्ण बोध या गिव्स कंप्लीट मीनिंग या पूर्ण अर्थ देता है वह कहलाता है, या अपनी भाषा में आपको बताना चाहूँगा, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण बोध या पूर्ण अर्थ देता है या जिसके होने से पूर्ण अर्थ हमको समझ आता है, ऐसे चीज को आप क्या कहेंगे, इसमें क्लोज कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे। इसका मतलब होता है उपवाक्य, क्या होता है उपवाक्य, इसका मतलब होता है आपका वाक्यांश, वाक्य का अंश, इसमें होता है मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य। अब इसमें से पूर्ण अर्थ कौन हमको समझ में आता है, पूर्ण अर्थ किसे समझ, उपवाक्य से पूर्ण समझ तो आता नहीं है, वाक्यांश से भी नहीं आता, मुख्य उपवाक्य से भी नहीं आता, किससे आता है जो हमको पूर्ण सार्थक अर्थ दे उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ लैंग्वेज, पहला है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमांटिक्स या फॉर्मलिज्म। अब इनमें से किसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के लिए नियम लागू नहीं होता, भाषा सीखने के लिए नियम लागू नहीं होता, इसे आप किसे कहेंगे, ठीक है, भाषा का जैसे यहाँ पे दिया है आपका स्वर विज्ञान, उसके बाद दिया है शब्द संरचना, उसके बाद दिया है आपका शब्दार्थ, उसके बाद दिया औपचारिकता। तो साथियों जब भी भाषा बोलते हैं सभी में नियम होता है, सभी के लिए अपना अपना एक नियम है, लेकिन जो औपचारिक है उसमें कोई नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट एन आर्टिकुलेटर, मतलब कौन सा एक उच्चारण अवयव नहीं है, आर्टिकुलेटर मतलब क्या होता है उच्चारण अवयव, विच वन इज नॉट एन आर्टिकुलेटर मतलब उच्चारण अवयव नहीं है, फेस, टोंग, लिप्स एंड टीथ, चेहरा, जीभ, होंठ या दांत। तो साथ ही जब भी उच्चारण करते हैं तो जीभ भी शामिल होता है, लिप्स भी शामिल होता है, टीथ भी शामिल होता है, लेकिन फेस शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ए लास्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज,
जब दो पदों से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, दो प्लानों का, दो आइडियाज कह सकते हो, जब दो चीज़ों में या बातें हो रही होती है, दो पर्सन के बीच बातों का आदान प्रदान हो रहा होता है, तो इस आदान प्रदान होने को क्या कहा जाता है? बातों का आदान प्रदान जो हो रहा होता है उसे इनमें से क्या कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग, टेलिंग, कम्युनिकेशन या लिसनिंग? कहने का अर्थ है समझदारी बोल सकते हो। टेलिंग मतलब बताना, बातचीत करना या संचार, या कह सकते हो इसमें से सुनना। तो साथियों, जब एक दूसरे से जब दो पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहा होता है, तो उसे बातचीत करना या संचार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, यह रहा 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम आपके सामने और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आई बटन में जाके आप नए वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले मेरे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना जल्दी हो सके अच्छे से तैयारी करें। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र थोड़ा सरल लग रहा हो। बिल्कुल कमेंट